हाय एवरीवन, आज मैं शूट कर रही हूँ व्हाट आई ईट इन अ डे। मैंने आप सभी के कमेंट्स पढ़े एंड काफ़ी लोगों ने बोला कि मैं ये वीडियो बनाऊँ, तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आज पूरे दिन का व्हाट आई ईट टू स्टे लीन एंड माय ईटिंग स्केड्यूल। तो इस वीडियो को पूरा देखें। सुबह उठने के बाद फ्रेश होकर मैं अपनी बॉटल भरती हूँ ताकि पूरे दिन का इनटेक ट्रैक कर सकूँ, और फिर मैं पीती हूँ 2 ग्लास गर्म पानी। कभी मैं ठंडा भी पीती हूँ, कभी गर्म भी पीती हूँ। तो गर्म पानी पीने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इट क्लियर्स द इंटेस्टाइन, प्रिवेंट्स ब्लोटिंग, हेल्प इन डाइजेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हाइड्रेशन। इसके बाद मेडिटेट करती हूँ, वो मैंने शूट नहीं किया। अगर आपको डिटेल में मेरा मॉर्निंग रूटीन देखना है तो मैंने उस पर वीडियो बनाई है, आई बटन पर आपको वो मिल जाएगी। मेडिटेट के बाद अराउंड 7-7:30 के बीच में मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट, विच इज माई प्री वर्कआउट मील, जो मैं वर्कआउट के 30-60 मिनट्स पहले करती हूँ। मैंने ओवरनाइट म्यूसली और ओट्स सोक करके रखे थे। इसमें मैं डालूंगी दूध, एक बनाना, पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, 2 डेट्स और ये ओवरनाइट सोक बादाम और किशमिश। ड्राई फ्रूट्स को ओवरनाइट सो करने से इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू मल्टीप्लाई होती है। ये हेल्प करते हैं प्रॉपर डाइजेशन में, इट इम्प्रूव्स इम्यूनिटी, दे आर अ मेजर सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड इट मेक्स स्किन शाइन। मॉर्निंग में ड्राई फ्रूट खाने से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है एंड यूजुअली इस बोल में मुझे कुछ भी स्वीटनर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट जब कभी मन होता है तो मैं इसमें हनी डाल देती हूँ। ओट्स, म्यूसली, बनाना, नट्स बहुत ही अच्छा ऑप्शन है प्री वर्कआउट मील में ऐड करने के लिए। इनमें होता है कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड गुड फैट्स। तो ये है मेरा फर्स्ट मील ऑफ द डे एंड इट टेस्ट यम। वर्कआउट से पहले मैं हमेशा कुछ ना कुछ खाकर जाती हूँ। कार्ब्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है एक्सरसाइज के दौरान और प्रोटीन हेल्प करता है एंड्योरेंस में, तो हमें ऐसी मील ज़रूर ऐड करनी चाहिए अपनी प्री वर्कआउट मील में जिसमें कार्ब्स और प्रोटीन हो। जब कभी ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो मैं बनाना या फिर डेट्स और नट्स खा के जाती हूँ, पर जब होता है तो मैं ऐसी छोटी मील्स बनाना प्रेफर करती हूँ जो फिलिंग भी होती है और एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। इसके बाद मैं जिम जाने के लिए रेडी होती हूँ और आज है चेस्ट एंड ट्राइसेप्स डे। वर्कआउट करते हुए मैं हाइड्रेशन का खास ध्यान रखती हूँ। बीच बीच में ऐसे पानी सिप करते रहती हूँ ताकि मेरी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो और परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो। मुझे वर्कआउट करना बहुत ही अच्छा लगता है, आई फील एनर्जाइज्ड। और जिम से आने के बाद नहाकर फ्रेश होकर मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अपनी पोस्ट वर्कआउट मील। आज मैं बना रही हूँ डोसा, जो मुझे मेरी हाउस हेल्प दीदी ने सिखाया था एंड तब से मुझे घर का बना डोसा ही अच्छा लगता है। तो चलो आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने ली है बहुत सारी वेजीज, आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं। इसके बाद मैं इसे करूँगी फाइनली चॉप, फिर डालूंगी सॉल्ट एंड बैटर की कंसिस्टेंसी चेक करनी है, वो ना ज़्यादा थिक होना चाहिए ना ही ज़्यादा रनी। तवे पे इसे हल्के हाथों से ऐसे फैलाना है राउंड राउंड करके एंड उसके बाद मैं डालूंगी बटर, शेजवान सॉस डालूंगी फॉर गुड फ्लेवर एंड फिर डालूंगी ये बहुत सारी वेजिटेबल्स। इसे धीमी आंच पे पकने दूंगी एंड नाउ इट्स रेडी। साथ में मैंने लिए 2 whole eggs और माय फेवरेट पुदीना और मिंट चटनी, जो ऑब्वियसली मैंने बनाई है पहाड़ी स्टाइल में है। इसकी रेसिपी भी मैं आई बटन पे शेयर कर दूंगी। बहुत ही टेस्टी चटनी है, मुझे बहुत ही टेस्टी लगती है ये एंड डोसे के साथ तो ये बहुत ही अच्छी लग रही थी। पोस्ट मील में मैं ज़्यादातर डोसा, वेजिटेबल सैंडविच, ओट पैनकेक्स, चीला, पोहा और भी डिशेस है जो मैं खाना प्रेफर करती हूँ। प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील्स बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे फिटनेस रिजीम में। प्रॉपर न्यूट्रिशन बिफोर एंड आफ्टर वर्कआउट हमें हेल्प करता है हमारे फिटनेस गोल को अचीव करने में। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन 3 मील्स के बीच में मैं स्मॉल मील्स ऐड करती हूँ। कोई भी सीजनल फ्रूट होता है इस टाइम पर मैं वो लेती हूँ। अभी मैं वाटरमेलन खा रही हूँ और साथ ही मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अपनी ऑडिशन स्क्रिप्ट। एक तो स्क्रिप्ट इतनी लंबी थी ना, तो मुझे लिख करके ही याद होती है और ईजिली अच्छे से मेमोराइज भी हो जाती है एंड फिर आप आराम से उसमें इमोशन एक फील डाल सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसको खा रही थी ना, मुझे देखो क्या दिखा, आओ मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो मेरी विंडो पे एक बादाम का पेड़ है और यहाँ पे एक क्रो ने नेस्ट बनाया है और यहाँ पे इसके छोटे छोटे बेबीज भी है।
तो स्क्रिप्ट तो मैंने नोट डाउन कर ली और मुझे याद भी हो गई है, अब मैं होंगी अपने ऑडिशन के लिए रेडी। मेकअप वगैरह मैंने शूट नहीं किया, पर ये कुर्ता मैंने बोरीवली वेस्ट स्टेशन से लिया था। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कुर्ते मिल जाते हैं पर साइज़ नहीं मिल पाता है, तो मैं ऑल्ट्रेशन से उन्हें अपने साइज़ का बना लेती हूँ। ये झुमका भी मैंने वहीं से लिया था एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। लंच में मैं बना रही हूँ चने। कल मैंने चिकपी सैलेड खाया था तो उसके लिए चने कल ही बॉईल करके रख दिए थे, और यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि मैं ऐसे बीच बीच में पानी सिप करती रहती हूँ। ये बॉटल हमेशा मेरे साथ रहती है ताकि मेरी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। लंच में मैं ज़्यादातर दाल चावल खाती हूँ, या फिर अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है प्रॉपर लंच बनाने का तो मैं सैलेड खाती हूँ। सैलेड्स बहुत ईजी होते हैं बनाना एंड काफ़ी लोगों ने मेरे सैलेड वाली रेसिपी को पसंद भी किया है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा एंड आपको सैलेड खाना पसंद है, टेस्टी सैलेड, तो ये रेसिपी ज़रूर देखें, आई बटन पे इसका लिंक है। पैक्ड जिंजर गार्लिक पेस्ट से ज़्यादा अच्छा मुझे घर पे खुद पिसा हुआ जिंजर गार्लिक मिर्ची का पेस्ट लगता है, इसमें ज़्यादा अच्छे फ्लेवर्स आते हैं। ऑयल में मैं डालूंगी ज़ीरा, राई, प्याज, ये जो पेस्ट बनाया था उसे, फिर डालूंगी टमाटर और उसमें डालूंगी सारे गरम मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला। और चनों में मुझे जो सबसे अच्छा टेस्ट लगता है वो है आमचूर पाउडर का, बहुत ही अच्छा खटास आता है चनों में एंड इसे मैं पकने के लिए रहने दूंगी, 5 मिनट के बाद गैस ऑफ कर दूंगी। साथ में मैं बना रही हूँ ज़ीरा राइस, 1 चम्मच घी में मैं डालूंगी ज़ीरा एंड फिर डालूंगी ये राइस। मुझे जीरा राइस बहुत ही टेस्टी लगते हैं, मेरा लंच प्रिपेयर्ड है। साथ में मैंने लिया है सैलेड, सैलेड में मैंने लिया है कुकुम्बर, खीरा। मुझे और मेरे भाई को मम्मी पापा ने बचपन में ही खाना बनाना सिखा दिया था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कल को हमारे बच्चे बाहर सेटल हुए तो वो भूखे ना रह जाएं, एंड शायद इसी वजह से मैं भी इजीली सब कुछ मैनेज कर पाती हूँ। पर जब कभी शूट्स होते हैं एंड रेगुलर डे नाइट शूट करना पड़ता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सब चीज़ें मैनेज कर पाना। लंच के बाद आती है बहुत ज़्यादा नींद, पर मैं प्रेफर करती हूँ मैं दिन को ना सोऊं, क्योंकि अगर मैं दिन को सोना तो मुझे रात को नींद ही नहीं आती है, इसीलिए इस टाइम पे मैं कुछ ना कुछ देखती हूँ। दिन भर इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो गई होती है कि इवनिंग तक मुझे वापस शावर लेना पड़ता है एंड इवनिंग का टाइम होता है चाय टाइम, और चाय मैं टेरेस पे जाके पीती हूँ। शिमला में तो मेरी सुबह ही चाय से होती थी और शाम को जब मम्मी ऑफिस से आते थे तो हम दोनों साथ में चाय पिया करते थे। चाय के साथ मुझे कुछ ना कुछ खाना पसंद है, तो कभी खाखरा, नट्स, रोस्टेड चना, और कभी ज़्यादा क्रेविंग हो तो मैं बिस्किट्स भी खा लेती हूँ। टेरेस पे थोड़ी देर वॉक करने के बाद घर जाकर मैं पूजा करती हूँ और उसके बाद बनाती हूँ डिनर। अभी मैं बना रही हूँ रोटी। आजकल मैं वीट अवॉइड कर रही हूँ पर उसके बदले मैं नाचनी, ज्वार, बाजरा की मिक्स आटे की रोटी बनाती हूँ। इस आटे में बहुत सारा प्रोटीन, फाइबर, वाइटामिन, मिनरल्स लाइक आयरन होता है एंड ऑल्सो दे आर ग्लूटेन फ्री। थोड़ा सा मुश्किल होता है ये बनाना, तो प्लीज़ मेरी रोटीज़ को जज मत करना। ये है मेरी डिनर प्लेट और ये काफ़ी सिमिलर है मेरे लंच जैसी। दिन के चने हैं, आलू की सब्ज़ी है, 2 रोटी और सैलेड। ज़्यादातर लंच का खाना मेरा डिनर भी होता है क्योंकि वो ज़्यादा बन ही जाता है। डिनर में मुझे सब्ज़ी भी चाहिए होती है तो कभी कभी मैं वो भी बना लेती हूँ। इस टाइम पे मैं ज़्यादातर YouTube वीडियोस एडिट करती हूँ और लास्ट डेजर्ट में माय फेवरेट मैंगोज। मुझे नहीं लगता है आम खाने का कोई भी टाइम होता होगा, कभी भी खाओ मज़ा ही आता है एंड मैंगोज आर इन सीज़न और मुझे हमेशा से मैंगो सीज़न का वेट रहता है। दे आर माय फेवरेट एंड आई नो आपका भी फेवरेट होगा। और आम खाते हुए हाथ गंदे और फेस ख़राब ना हो तो आम खाया भी तो क्या खाया है ना। बस यही था आज का व्हाट आई ईट। इसके बाद मैं देखूँगी स्टैंड अप कॉमेडी बाय आकाश गुप्ता। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी वीडियो बनाई है, मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी इसको लेकर एंड नाउ आई एम गोइंग टू वॉच दिस। टिल देन लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।